एक शिष्य को ये उपदेश किया, बेटा भगवान सब में है, ये बात मान करके व्यवहार करोगे तो तुम बहुत जल्दी सिद्ध हो जाओगे। एक दिन वो जा रहे थे तो दूर से मावत चिल्ला रहा था, बाबा जी हटना, हाथी हमारा पागल हो गया है, हमारे बस में नहीं, हटना। गुरु जी ने कहा सब में भगवान है यार, हाथी में भी तो भगवान है। गए सूंड से पटक दिया, उनके हाथ पैर टूट गए, लद के गए। वो क्या हो गया बेटा? बोले आपके उपदेश ने दुर्दशा करा दी, आपने कहा था सब में भगवान है तो हाथी ने हमें उठा के पटक दिया। तो बोले किसी ने रोका नहीं? बोले मावत तो जोर से चिल्ला रहा था। तो बोले हाथी में भगवान देखा मावत में? भगवान पहले कह रहे दूर हट जा, नहीं तो हाथी पागल, तो दूर हट जाना चाहिए, मावत में तो भगवान देखा ले हाथी। ये बात समझनी चाहिए, बस खत्म खेल। यही सिद्ध पुरुषों का लक्षण होता है, अपने स्वरूप में स्थित हुए बर्ताव बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा संसारिक होता है, पर कहीं चूक नहीं होगी, सब में प्रभु है, सब वही विद्यमान परमात्मा तत्व है। समझ में आए? आजकल किसी व्यक्ति के आचरण पर आपका विश्वास नहीं हो सकता, पता नहीं आचरण कैसा है, पर भगवान पर तो विश्वास है ना। भगवान को गुरु मान लो, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शंकर, हमारे तो इष्ट के विविध नाम रूप हैं, ये किसी को मान लो और मानकर उनका नाम जपने लगो, और जब नाम जप करोगे तो आगे का रास्ता खुद दिखाई देगा कि क्या है, फिर आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, उनको जो करवाना हो करवा लेंगे, आपको बस इतना करना है। गुरु का मतलब वरण करना होता है, वरण का मतलब होता है उनकी बात सुनकर समझकर उस पे चलना होता है। तो मान लो कि हमें गुरु का आदेश है कि भगवान को मैं गुरु मानूं और नाम जप करूं, अब इसमें कोई संशय? महापुरुषों ने बात करके दिखाई है कि बात मानने के शिष्य हैं और बात ना मानो तो फिर क्या है, है नहीं? हम लाख कहें कि आप हमारे शिष्य, आप हमारी बात ना माने तो आपका कल्याण नहीं होगा। और आप बिल्कुल मत कहिए कि आप हमारे गुरु, हम बिल्कुल मत कहें आप हमारे शिष्य हो, आप हमारी बात मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, है ना? बस सुलझा हुआ व्यक्तित्व रखो। हम इस बात से आपके प्रसन्न हैं कि जब तक हमारा श्रद्धा और विश्वास दृढ़ ना हो तब तक हम किसी को कैसे अपना स्वामी वरण करें। तो सबके स्वामी भगवान है, अगर भगवान पर आस्था है तो आगे का मार्ग वही दिखाते हैं, क्योंकि वही गुरु रूप से, दूसरा कोई नहीं। जीव कभी गुरु नहीं हो सकता, ईश ही गुरु होता है। तो जो भक्तजन भगवान के भजन में तन्मय होकर भगवत स्वरूप हो गए, अब उनमें और प्रभु में अंतर नहीं। आप चलते चले जाओ, इनके गुरु, इनके गुरु, इनके गुरु, इनके, तो आखिरी में जब पहुंचोगे तो सबके गुरु बैठे हुए हैं, भगवान ही तो है ना। बस भगवान को मानने में कोई अश्रद्धा संशय तो नहीं है। खूब नाम जप करो, जो तुम्हें नाम प्रिय लगे उन्हें भगवान को गुरु मान लो, और उनको जरूरत होगी ना तो तुम्हारे हृदय में आके ऐसी प्रेरणा करेंगे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, सारी प्रश्न उत्तर खत्म हो जाएंगे और आप मन वचन कर्म से गुरु का वरण कर लेंगे। अगर उनको जरूरत नहीं है तो वही परम गुरु है, आपको अपने पास बुला लेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं।